हाँ जी, नेक्स्ट अगर हम इसमें चेक कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में एक्स माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो। अब अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले अगर मैं इसे ओपन कर लूं, अगर इसे ओपन करूं तो ये मेरे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक्स इंटू वन बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो। अब अगर इसमें मैं पुट कर लेता हूँ एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स को अगर हम पुट कर लें टी के इक्वल, तो बोथ साइड पे मैं इसका स्केयर ले लेता हूँ, इस साइड पे भी मैंने स्केयर ले लिया, इस साइड पे भी स्केयर ले लिया। तो जब इसका स्केयर ओपन करें एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस एक्स इक्वल टू टी स्केयर, तो यहाँ से एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू आ रही है टी स्केयर माइनस वन। अब मैं यहाँ पे अगर इसके ओरिजिनल फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन कर दूँ एक्स माइनस एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर की जगह पे हम टी स्केयर माइनस वन लिख लेते हैं, टी स्केयर माइनस वन देन माइनस टू प्लस थ्री एंड एक्स प्लस वन ओवर एक्स को हमने पुट कर लिया है टी के इक्वल। इसे अगर हम सॉल्व करें तो टी स्केयर प्लस थ्री टी एंड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब अगर हम इसमें देखें कि मल्टीप्लाई करने के साथ माइनस थ्री आ रहा है, प्लस माइनस करने के साथ थ्री आ रहा है, तो इसके अगर हम दो फैक्टर देख लें, अगर हम इसका फैक्टर नहीं बनते तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए जो है वो वन ले लेंगे, बी थ्री ले लेंगे एंड सी जो है वो हम माइनस थ्री के इक्वल ले रहे हैं। तो जब पुट करेंगे तो यहाँ से सिंपल जो हमने पहले 4.1 में भी ये सेम क्वेश्चन किए थे, 4.2 में भी अब क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ से टी की दो वैल्यू आएंगी। तो जब टी की दो वैल्यू आएंगी उन्हें यहाँ पे पुट करेंगे, टी की इसको सॉल्व करने से दो वैल्यू आ जाएंगी। अब टी हमने किसके इक्वल ऐड किया हुआ, एक्स प्लस वन ओवर एक्स के, एक्स प्लस वन ओवर एक्स को हम इसके इक्वल रख देंगे फर्स्ट वैल्यू के, फिर एक्स प्लस वन ओवर एक्स को सेकेंड वैल्यू के इक्वल रख देंगे। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास दो वैल्यू एक्स की यहाँ से आ रही हैं, एक टी की वैल्यू पुट करने से, दो वैल्यू दूसरी टी को पुट करने से, तो एक्स की फोर वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। सेम ये सेम क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, सेम टाइप के ही थे। इसमें हम एक्स प्लस वन ओवर एक्स या एक्स माइनस वन ओवर एक्स को अदर वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करते थे। अब अगर हम नेक्स्ट इसमें देखें, इसके जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हैं 21 से 24 तक, ये सेम एक ही टाइप के आ रहे हैं 21 to 24। अगर क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं 2x4 माइनस 3x3 माइनस एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो ये x4 है, पहले हम इसे भी फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्केयर से डिवाइड कर देंगे, होल इक्वेशन को हम कर रहे हैं एक्स स्केयर से डिवाइड। तो जब एक्स स्केयर से डिवाइड करेंगे, अगर मैं x4 को एक्स स्केयर से डिवाइड करूँ तो एक्स स्केयर आ जाएगा माइनस, इसको मैं अगर करूँ तो 3x आ जाएगा, इसको मैं एक्स स्केयर से डिवाइड करूँ तो माइनस 1 आ जाएगा, इसको मैं अगर एक्स स्केयर से डिवाइड करूँ तो 3 डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा, इसको मैं करूँ तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन मैं एक्स स्केयर वाली एक साथ लिख लेता हूँ, एक्स स्केयर इसके साथ लिखा हुआ है, इसके साथ 2 मैं बाहर लिख लेता हूँ, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर एंड एक्स माइनस 3 मैं बाहर लिख लेता हूँ, एक्स प्लस 1 बाई एक्स एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आ गया। देन हम इसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वन ओवर एक्स को हम पुट कर लेते हैं टी, तो जब मैं इसका बोथ साइड पे स्केयर लूँगा तो एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन इक्वल टू टी स्केयर बन रहा है,
एंड एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर इक्वल टू टी स्केयर माइनस वन के इक्वल आ रहे हैं। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, टू टी स्केयर माइनस वन माइनस थ्री टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, अगर हम इसे सॉल्व करें, टू टी स्केयर माइनस टू माइनस थ्री टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये बन रहा है टू टी स्केयर माइनस थ्री टी एंड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसमें भी इसमें हम सेम चेक कर लेंगे, पहले फैक्टराइजेशन से देख लें। फैक्टराइजेशन में देखेंगे कि टू को हम थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सिक्स यानी माइनस सिक्स आए और वैसे माइनस थ्री आए, फैक्टर नहीं बन रहे। तो इसमें हम सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ए हम टू को पुट करेंगे, बी माइनस थ्री को पुट करेंगे एंड सी माइनस थ्री को पुट करेंगे। पुट करने से हमारे पास टी के दो, फॉर एग्जांपल टी इस फॉर्म में आ जाएगा, थ्री स्केयर माइनस बी माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री स्केयर नाइन आ जाएगा। ए टू है, बी माइनस थ्री है, माइनस थ्री है तो ये प्लस थ्री आ जाएगा, नाइन माइनस फोर ए टू के इक्वल है एंड सी जो है वो माइनस थ्री के इक्वल है, डिवाइडेड टू ए, टू ए टू के इक्वल है। तो इसे सॉल्व करेंगे, थ्री प्लस माइनस नाइन, फोर टू एट थ्री ट्वेंटी फोर, नाइन प्लस ट्वेंटी फोर, थ्री प्लस माइनस ट्वेंटी फोर में से अगर हम नाइन ऐड करें तो ये थर्टी थ्री आ जाएगा डिवाइडेड बाई फोर। हाँ, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो एक टी की वैल्यू यहाँ से आ रही है और दूसरी टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, एक दफ़ा प्लस करने से आ जाएगी, दूसरी दफ़ा माइनस करने से आ जाएगी, टी की दो वैल्यू आएंगी। तो जो टी की दो वैल्यू आएंगी वो यहाँ पे पुट करने से सेम ही यहाँ पे भी एक्स के हमारे पास फोर रूट आ रहे हैं। नेक्स्ट हम 23 का चेक करते हैं। 23 में भी 6 एक्स फोर माइनस 35 एक्स थ्री माइनस प्लस 62 एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो इसमें भी सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 6 एक्स स्क्वायर, ये माइनस 35 एक्स, ये प्लस 62, ये माइनस 35 ओवर एक्स एंड दिस प्लस 6 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे, पहले 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 35 लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स एंड प्लस 62 इक्वल टू जीरो। ये सेम उसी फॉर्म में जो मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 21, सेम उसी फॉर्म में चला गया। एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स को टी पुट करेंगे, उसका होल स्केयर लेंगे, तो टी पहले टी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जब टी की दो वैल्यू आएंगी तो उसे दोबारा हम एक्स प्लस वन ओवर एक्स की प्लेस पे पुट करेंगे, तो इसके आंसर आ रहे। अब नेक्स्ट अगर हम 24 चेक कर लें, क्वेश्चन नंबर 24 में है एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स स्केयर प्लस 10 माइनस सिक्स एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स फोर इक्वल टू जीरो। तो इसमें भी हम जो एक्स फोर वाली हैं वो हम पहले साथ लिख लेते हैं, एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर, फिर हम एक्स स्केयर वाली लिख लेते हैं एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस 10 इक्वल टू जीरो। तो जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें एक्स फोर प्लस, इसमें हम इसको हम टी के इक्वल पुट करेंगे,
एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर को हम टी के इक्वल पुट कर रहे हैं, तो जब बोथ साइड पे इसका स्केयर लेंगे तो ये बन रहा है एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर प्लस टू इक्वल टू टी स्केयर। तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर की टी स्केयर माइनस टू। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इस फॉर्म में चला गया है, एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर की जगह पे टी स्केयर माइनस टू हम पुट कर रहे हैं, माइनस सिक्स टी आ रहा है प्लस टेन इक्वल टू जीरो। तो ये टी स्केयर माइनस सिक्स टी प्लस एट इक्वल टू जीरो। सेम इसी तरह टी की दो वैल्यू आएंगी, यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर एक्स की भी दो वैल्यू आ जाएंगी।